गाइस, आज जो मूवी रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है बधाई हो। बधाई हो हिंदी फिल्म, हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था। और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक, यह 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रेम वंदना एक ठठेर गृहिणी, मतलब एक पूरी गृहिणी है। और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रेमवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रेमवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रेमवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उससे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रेमवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रैनी से बचने के लगता है। जीतू और प्रेमवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ जाने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता और प्रेमवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रेमवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रेमवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुनकर सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रेमवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रेमवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक ने उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रेमवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है प्रेमवंदना की प्रसव पीड़ा होती है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट हैं वो हैं आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रेमवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, अलका कौशल, गुड्डू कौशिक, अलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक।
इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनू, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावा और सॉरी गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नई जुड़िया ये आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुग जुग जीवा ये सुभाष मुंडगेर। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है, 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तैतिक उत्तरदायी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। यह हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रियवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और
जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है, प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नई जुड़ियां ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेर। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तैतिक उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। यह हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रैनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है।
खबर वायरल हो जाती है और परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रबंधा नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता और प्रत्यवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ सतरंग अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रेवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रेवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुनकर सुन लेता है और संगीता की शक्ति से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रेवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रेवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रेवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है, प्रेवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल, कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रेवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र, जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी, दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नैन जुड़ियां ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेर। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना
की दो फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो, बधाई दो नामक एक तृतीय उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। हो हिंदी फिल्म, हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था, और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी, मतलब एक पूरी गृहिणी है, और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है, क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रियवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चंडा,
चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये बच्चेस ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावना और सॉरी गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नैना नैन नई जुड़ियाँ, ये आयुष्मान खुराना, नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी, देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा, ये सुभाष मुंडगेल। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है, 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तैतिक उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। हो हिंदी फिल्म, हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक, यह 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी, मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रियवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है।
गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नैना नैन नई जुड़ियाँ ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेर। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तैतिक उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। हो हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रैनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है।
उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रबंधा की तीसरी गर्भवस्था की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रबंधा नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रबंधा और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है, क्योंकि वह उसे प्रबंधना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रबंधना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की शक्ति से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रबंधना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रबंधना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रबंधना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है, प्रबंधना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल, कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रबंधना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र, जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी, दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नैना नैन नई जुड़ियाँ ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेर। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ
अभिनेत्री आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है सिकरी ने। बधाई हो बधाई 2 नामक एक तार्किक उत्तराधिक 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। हो हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रियवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है।
इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये बच्चेस ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावना और सॉरी गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नैना नैन नई जुड़ियाँ ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुग जुग जीवा ये सुभाष मुंडगेल। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है, 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तार्किक उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। यह हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है।
जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रेवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रेवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है, प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नैना नैन नई जुड़ियाँ ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेर। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तार्किक उत्तराधिक 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। यह हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रैनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है
और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रेमवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रेमवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। उन्हीं सप्ताह बाद प्रेमवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रेमवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रेमवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रेमवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रेमवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रेमवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुनकर सुन लेता है और संगीता की शक्ति से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रेमवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रेमवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रेमवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है प्रेमवंदना की प्रसव पीड़ा होती है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल, कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रेमवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र, जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावना और सॉरी गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नैना नैन नई जुड़ियाँ ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेल। इसमें जो अवार्ड मिले इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे,
ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तृतीय उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। हो हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदा नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रियवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है।
संगीता रैनी को नकुल से माफी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ही ने नकुल को माफ कर दिया। रैनी नकुल के घर आता घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की छोटी अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावा और गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने, नैना नैन नई जुड़ियाँ ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेर। इसमें जो अवार्ड मिले इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तैतिक उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। यह हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रैनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रैनी से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है।
संगीता प्रेमवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुनकर सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रेमवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रेमवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रेमवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है प्रेमवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल, कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रेमवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र, जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी, दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नई जुड़ियाँ ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी, देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेल। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तार्किक उत्तराधिक 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। यह हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था
और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक, यह 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी, मतलब एक पूरी गृहिणी है, और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रियवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके
ये गुरु रंधावा और सॉरी गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने नैना नैन नई जुड़ियाँ, ये आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कड़, सजन बड़े सेंटी, देव नगी और हरकते, जुग जुग जीवा, ये सुभाष मुंडगेर। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तैतिक उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। हो हिंदी फिल्म, हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक, यह 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी, मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रियवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है।
वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफी मांगने के लिए कहती है और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है, प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावना और सॉरी गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने, नैना नैन नई जुड़ियाँ ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेल। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तैतिक उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। यह हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रैनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है।
खबर वायरल हो जाती है और परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रबंधा नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रत्यवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ सतरंग अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रेवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रेवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की शक्ति से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रेवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रेवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रेवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है, प्रेवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल, कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रेवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र, जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी, दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नई जुड़ियां, ये आयुष्मान खुराना, नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी, देवनगी और हरकते, जुक जुक जीवा, ये सुभाष मुंडगेर। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना
की दो फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो, बधाई दो नामक एक तृतीय उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। यह हिंदी फिल्म, हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था, और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी, मतलब एक पूरी गृहिणी है, और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। उन्हीं सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है, क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रियवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चंडा,
चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये बच्चेस ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावना और सॉरी गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नैना नैन नई जुड़ियां, ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी, देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा, ये सुभाष मुंडगेल। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है, 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तार्किक उत्तराधिकारी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। हो हिंदी फिल्म, हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक, यह 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी, मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रियवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है।
गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है, प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र, जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी, दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावना और सॉरी गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नैना नैन नई जुड़ियाँ ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेर। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तैतिक उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। यह हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रैनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं।
उन्हीं सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ सतरंग अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की शक्ति से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रियवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है, प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल, कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र, जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावना और सॉरी गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नैना नैन नई जुड़ियाँ ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेर। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है, 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ
अभिनेत्री आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है सिकरी ने। बधाई हो बधाई 2 नामक एक तार्किक उत्तराधिक 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। हो हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रियवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है।
इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरिजा रॉय एज ए जितेंद्र जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये बच्चे ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावना और सॉरी गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नैना नैन नई जुड़ियाँ ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेर। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है, 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तार्किक उत्तराधिकार 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। यह हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रियवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रियवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रियवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रियवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रियवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रियवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रियवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की सख्ती से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है।
जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रेवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रेवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रियवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है, प्रियवंदना की प्रसव पीड़ा होती है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रियवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नैन जुड़िया ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेल। इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तैतिक उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। यह हिंदी फिल्म हिंदी कॉमेडी मूवी है जो 2018 में ड्रामा स्टार्ट रिलीज हुआ था और इसकी जो कहानी है वो है नकुल कौशिक या 26 वर्ष लड़का है और अपने सहयोगी रैनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उसके रिश्ते को स्वीकार करती है। उसके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में एक कर्मचारी हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियवंदना एक ठठेर गृहिणी मतलब एक पूरी गृहिणी है
और उनका उसका जो छोटा भाई है गुल्लर भाई हाई स्कूल का छात्र है। उसकी जो दादी है दुर्गा हमेशा प्रेमवंदना से झगड़ती और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती हैं। एक दिन वो प्रेमवंदना को ताना मारती हैं और जो परेशान हो जाती है जीतू अपनी पत्नी को संतावना देने और वे अतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रेमवंदना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे बच्चे का गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू ने परिवार को प्रेमवंदना की तीसरी गर्भवती की घोषणा की। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता दोस्तों समाज से बचना शुरू कर देते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार रिश्तेदार दोस्त और समाज उनका मजाक उड़ाते हैं। नकुल रहने से बचने के लगता है। जीतू और प्रेमवंदना नकुल और गुलेर के साथ उनके चचेरे भाई की शादी के लिए मेरठ चलने के लिए कहते हैं। दोनों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे जीतू उन पर नाराज हो जाता है और प्रेमवंदना और दुर्गा के साथ चला जाता है। इस बीच में रैनी नकुल को खुश करने के लिए एक रूम डेट ऑफर करती है, लेकिन वह उससे साथ अतरंग होने से असमर्थ है क्योंकि वह उसे प्रेमवंदना की गर्भावस्था की याद दिलाती है। संगीता प्रेमवंदना की प्रेगनेंसी के बारे में रैनी को से पता चल जाता है। वह चौंक जाती है और कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और संगीता की शक्ति से बात करता है और रैनी से ब्रेकअप कर लेता है। जबकि मेरठ और मुजफ्फरपुर में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रेमवंदना को देर से गर्भावस्था के लिए उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पहली बार दुर्गा प्रेमवंदना के उसके व्यवहार के लिए बचाव करती है और उसे उन्हें उसके प्रति उनके स्वार्थ और मतलबी रवैये का एहसास भी कराती है। गुलेर नकुल को बताता है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जब उसने उन्हें जवाब दिया तो उनमें से एक उन्हें उसे मारा। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुलेर लड़की के 3 थप्पड़ मारता है। नकुल अपने ही दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से एक उसे ताना मारता है तो वह करारा जवाब देता है। वह अपने माता पिता के लिए सुलह कर लेता है और एक बड़े बेटे के रूप में कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रेमवंदना को जब पता चलता है कि नकुल ने रैनी के साथ संबंध तोड़ दिया है तो उसे रैनी की माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और नकुल सहमत नहीं है इससे। जैसे ही गोद भराई की तैयारी शुरू होती है प्रेमवंदना की प्रसव पीड़ा होती है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। संगीता रैनी को नकुल से माफ़ी मांगने के बारे में पता चलता है और उसे ने नकुल को माफ़ कर दिया। रैनी नकुल के घर और फिर अस्पताल जाती है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची के जन्म की घोषणा की। 15 महीने बाद नकुल और रैनी की अपनी छोटी बहन सहित अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेता है। इसमें जो कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एज ए नकुल, कौशिक, नीना गुप्ता एज ए प्रेमवंदना कौशिक, गिरजा रॉय एज ए जितेंद्र, जीतू कौशिक, सुरेखा सिकरी दुर्गावती कौशिक, शाइना मल्होत्रा, रीना शर्मा, शाइबा चड्डा, संगीता शर्मा, शरदुल रामना, विश्वास कौशिक, आलका कौशल, गुड्डू कौशिक, आलका आमिन एज सॉरी कौलिका कौशिक, मनोज बाक्षी, विजेंद्र कौशिक। इसमें जो मुख्य गाने हैं वो हैं बधाइयां तैनो, ये ब्रजेश ने गाया था, और मोरनी बनके, ये गुरु रंधावा और नेहा कक्कर ने, नई जुड़ियां ये आयुष्मान खुराना नेहा कक्कर, सजन बड़े सेंटी देव नगी और हरकते, जुक जुक जीवा ये सुभाष मुंडगेल,
इसमें जो अवार्ड मिले, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। ये जो बधाई हो सकते साक्षी मिली और यह व्यवस्थित सफलता है। 19 करोड़ रुपए की बजट से बजट मिला था और इसको ये 2018 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी थी। इस फिल्म में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के 4 पुरस्कार जीते थे। गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचना सिकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और रॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित इसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है। पहली बार जहां एक मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, क्योंकि धनाधुन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है शिकरी ने। बधाई हो बधाई दो नामक एक तार्किक उत्तरी 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। और इस तरह के नए पुराने मूवी रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मूवी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।